शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं जो है वो मेरे सारे ऑनरेबल कोलीग्स हैं सेनेटर बिलखसूस बलोचिस्तान के और पख्तून ख्वा के, और मैं उनकी दिल आज़ारी बिल्कुल नहीं करना चाहता, और अगर उन्हें कोई मेरी बात बुरी लगी है तो माजरा चाहता हूँ। तो आगे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और मैं साथ ये भी एक बात वादे कर दूँ कि जो शहीदों की जो कुर्बानी है वो जो मतलब कि ज़ाहिर है वो उसका अजर तो अल्लाह ही उन्हें देगा। इस दुनिया में तो ज़ाहिर है आपको जिसने अपनी सब कुछ इस मुल्क के लिए दे दिया उसको कोई क्या उसका रिवॉर्ड मिल सकता है। तो हम जनाब चेयरमैन मुसलमान हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी हम मुसलमान हैं, और मौत का एक वक्त मुकर्रर है, ये अल्लाह ताला ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। ना मौत उससे पहले आ सकती है ना मौत उसके बाद आ सकती है, और इसके ऊपर बहुत सारे वाक़यात हैं, एक वाक़या नहीं है, आप इस पर अहादीस भी में भी जा सकते हैं, आप कुरान भी जाके देख सकते हैं। तो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूँगा कि किसी की भी जो है वो कोई धमाका हो या किसी की जान ज़ाया हो जाए, लेकिन ज़ाहिर है जो है वो मुल्क का एक निज़ाम है, वो उस निज़ाम से ही चल सकता है। हमने ये जो तजुर्बे किए हैं ना, ये जो 62,000 अरब रुपए हैं ना, ये तजुर्बों की कीमत है। एक 1970 में तजुर्बा किया कि इलेक्शन हो गए और गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र ऑफ पावर ही नहीं की, क्योंकि हमें पसंद नहीं थे वो बंगाली, उसका जो तजुर्बे का नतीजा आया वो भी 62,000 में डाले। फिर वो जो तजुर्बे बीच में और लॉन्च हुए, मैं आप किस किस का नाम लूँ, वो तजुर्बे करते करते ही 62,000 हुए हैं, वो एक दिन में थोड़ी हुए हैं। तो ये कह देना कि क्योंकि 62,000 अरब रुपए का कर्जा को 174,000 अरब रुपए करना है तो इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो ये पिछले 6 महीने में क्या कर्जे नहीं बढ़े, या आप लोगों ने कोई गारंटी दे दी है कि आप कर्जा नहीं बढ़ाएंगे, या आप मुझे लिख के दे दें, बल्कि आप ये लिख के दें कि हम कम करेंगे कर्जे। और जहां तक बात है इलेक्शन डेट की जनाब चेयरमैन, फरवरी 2008 इलेक्शन हुआ, फरवरी 1997 इलेक्शन हुआ, दिसंबर 1970 इलेक्शन हुआ, मार्च 1977 इलेक्शन हुआ, नवंबर 1988 इलेक्शन हुआ, ये सब सर्दियों में हो रहे हैं जनाब चेयरमैन, ये मैं सारी सर्दियों के इलेक्शन गिनवा रहा हूँ आपको। तो ये जो है ये मैं ये फिर दोबारा वादे तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं समझता कि किसी को कोई तकलीफ पहुँचे, लेकिन ये हमारी तारीख रही है इस मुल्क। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर आप कह रहे हैं 5,77,00,000 लोग जो है उसमें कत्ल हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, 1944 में अमेरिका में भी इलेक्शन हुआ, 1945 में बर्तानिया में इलेक्शन हुआ, 1940 में बर्तानिया में इलेक्शन हुआ। हम कोई बुजदिल कौम है क्या? हम 2008 में इस मुल्क में इलेक्शन हुआ जनाब चेयरमैन, दर्जनों धमाके हुए उस महीने जिस महीने इलेक्शन हुआ, 2013 में इलेक्शन हुआ जनाब चेयरमैन। मेरी गुजारिश सुने आपके कुलीग हैं बात करने का, उनका जी बोलने दूंगा। अब 2013 के इलेक्शन में जनाब चेयरमैन धमाके हुए इस महीने के अंदर, बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई 2008 के इलेक्शन से पहले। तो क्या हम ये कहें कि क्योंकि हालात ठीक नहीं है, क्योंकि वेदर ठीक नहीं है, क्योंकि फॉग है, तो हम इलेक्शन ना कराएं? ये क्यों कोई बहादुर कौम इस तरह करती हैं, या वो कौमें जो अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में संजीदा हों वो ये हरकतें करती हैं? मुझे बताएं क्या मुल्क इस तरह चलेगा बगैर आईनी इदारों के, बगैर प्रोविंशियल असेंबलीज के, बगैर नेशनल असेंबली के, बगैर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के, क्या मुल्क ऐसे चलेगा जनाब चेयरमैन? और फिर जनाब चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर वाजे स्टेटमेंट आ चुकी है जनाब चेयरमैन, और मैं जनाब चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है और ये इंशाल्लाह पत्थर पे लकीर होगी, हम इंशाल्लाह इलेक्शन कराएंगे। ये कोई बात है कि हम डर जाएं और हम वो, ये जब 2013 और 8 का इलेक्शन हो रहा था दादा हमले पंजाब में होते थे, तब आप हमने तो नहीं कहा कि इलेक्शन ना कराएं, या हम हार रहे हो इलेक्शन तो हम कहेंगे इलेक्शन ना कराएं, या हमारे हमारे मुफादात के हिसाब से इलेक्शन हो वरना इलेक्शन ना हो, ऐसे तो नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि मेरी गुजारिश मैं खत्म कर रहा हूं, मैं लंबी नहीं है, ये गुजारिश मेरी गुजारिश ये है कि ये कहा गया जनाब चेयरमैन
कि बिजली नहीं है इलेक्शन ना हो, गैस नहीं है इलेक्शन ना हो, ये कहा गया, ये कहा गया। मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश तो सुन ले मेरे प्यारे भाई। जी जी, मेरी गुजारिश, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या के क्या के क्या अगर अभी ये कहा गया कि बिजली नहीं है इसलिए इलेक्शन ना कराए जाएं, फिर ये कहा कि गैस नहीं है इलेक्शन ना कराए जाएं, फिर ये कहा गया कि स्कूल नहीं बने हुए, कि ये कह रहे हैं बाजोड़ में स्कूल नहीं है तो इलेक्शन ना कराएं। अब थैंक यू सर, महीने में दो तीन, थैंक यू सर, थैंक यू गैस। सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब, एक बात करूं मैं, देता हूं सर, देता हूं आपको।